हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नेचर्स पैड में। आज मैं आपके साथ रात की रानी प्लांट के बारे में बात करूंगी। इस प्लांट की केयर किस तरह करनी चाहिए, किस तरह लगाना चाहिए, किस तरह की इसको सॉइल चाहिए, किस तरह की इसको देखभाल की ज़रूरत है, किस तरह का मैं अपने गमले में इसको फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ। इस प्लांट का सीज़न जुलाई अगस्त से शुरू होता है और विंटर में भी फ्लावरिंग करता है, पर बहुत ज़्यादा ठंडा फॉगी जब वेदर होता है तब ये फ्लावरिंग नहीं करता। फॉगी डेज में जब होते हैं सर्दियों में तो ये प्लांट एकदम डॉर्मेंसी में चला जाता है। ये देखिए मेरे प्लांट पे कितने सारी फ्लावर आने वाले हैं। मैं इसकी किस तरह से देखभाल करती हूँ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये देखिए कितना सारा इसमें फ्लावरिंग है होनी है। देखिए ये इसके फूल की खुशबू रात में बहुत अच्छी खुशबू आती है। अगर आप एक बार अपने घर में इसको लगाएंगे तो आपका पूरा घर इसकी खुशबू से महकेगा। आइए मैं अब इसके प्लांट के बारे में बताती हूँ आपको, इसमें मैंने किस तरह की मिट्टी यूज़ की है। सबसे पहले सॉइल की बात करूँगी। अगर आप इस प्लांट को ज़मीन में लगाते हैं तो आपकी मिट्टी किसी भी तरह की हो, जैसी आपके यहाँ है। अगर आप गमले में लगाते हैं तो मिट्टी वेल ड्रेन्ड होना चाहिए। मैंने इसे गमले में लगा रखा है और 50% मैंने रिवर्स सॉइल का यूज़ किया है और 30% सैंड और 20% कंपोस्ट का यूज़ किया है। इसमें मैं नीम खली भी यूज़ करती हूँ। गमले में लगाते समय हमेशा ड्रेनेज होल का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब भी हम इसमें पानी डालते हैं तो ड्रेनेज प्रॉपर होना चाहिए। कोई भी पौधा लगाएं आप, उसमें ड्रेनेज का प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। मेरा पौधा अब काफ़ी बड़ा हो गया है। मैंने इसे छोटा सा नर्सरी से लाकर लगाया हुआ था और मैं इसकी डेली केयर करती हूँ। और इसमें सबसे पहले पानी के बारे में बताती हूँ। पानी इसमें ओवर वाटरिंग नहीं करनी, इसे समय से पानी देना है। इसकी मिट्टी मॉइस्ट हमेशा होनी चाहिए पर सॉगी नहीं होनी चाहिए। विंटर्स के महीने में इसमें 5-6 घंटे की धूप जरूरी होती है, पर जो मई जून का महीना होता है उसमें 3 या 4 घंटे से ज़्यादा धूप नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा गर्मी भी इस प्लांट को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब बात करते हैं इस प्लांट की प्रूनिंग के बारे में। प्रूनिंग का भी कोई फिक्स टाइम नहीं है इसका कि किसी फिक्स टाइम पे करनी है इसकी। जब भी आपको लगे कोई ब्रांच एक्स्ट्रा है, मान लो उस पर फूल नहीं आ रहे हैं, कोई पत्ती जिसका कलर ख़राब हो गया है, सूख गई है, तो अपने आप ही करने, एक शेप में रखने के लिए उसकी हम बीच बीच में भी, कोई फिक्स टाइम नहीं है तो कभी भी प्रूनिंग इसकी कर सकते हैं। वैसे प्रॉपर जब करते हैं तो फरवरी के महीने में करते हैं। अगर ये वाला प्लांट अगर ज़मीन में लगाते हैं तो इसकी हाइट 10-12 फीट होती है। गमले में भी इसके जैसा गमले के साइज़ के हिसाब से होता है। अगर गमला ज़्यादा बड़ा है तो ये भी काफ़ी बड़ी हो जाती है, पर हमें शेप में रखना चाहिए इसको। प्रूनिंग करते रहना चाहिए टाइम टाइम से, इसमें खराब डाली निकाल देनी चाहिए, जो डाली पर फूल नहीं आ रहा है उसको भी कट कर देना चाहिए, इससे इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। अब मैं बात करती हूँ इसमें मैं किस तरह का फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ। फर्टिलाइज़र में मैं 10-12 दाने DAP के 15 दिन में इसमें डाल देती हूँ। मैं इसमें NPK भी दे देती हूँ। NPK ये वाला प्लांट जो होता है उसमें बहुत सारे फ्लावर आते हैं और फ्लावर ज़्यादा आते हैं इसलिए इसको ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं इसमें NPK दे देती हूँ। 1 लीटर पानी में 1 चम्मच NPK डालकर इसका स्प्रे कर देती हूँ। काउडंग भी महीने में मैं एक बार इसमें डाल देती हूँ। इस प्लांट पे मिलीबग बहुत जल्दी लग जाती है तो हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। मैं इसमें मिलीबग के लिए 1 लीटर पानी में 1 चम्मच नीम ऑयल डालती हूँ और डिश वॉश सोप भी डाल देती हूँ इसमें 1/2 चम्मच। और अगर आपके प्लांट पे मिलीबग लगी हुई है तो 2-3 दिन में इसका स्प्रे करें, नहीं तो वीक में एक बार ज़रूर करनी है। मिलीबग को पानी के तेज प्रेशर से हटाया जा सकता है।
ये प्लांट पॉइजनस प्लांट है, ध्यान रखना चाहिए किसी भी पार्ट को इसके को खाना नहीं है, और अपने घर में जो एनिमल्स भी पेट्स हैं आपके घर में उनको भी इससे दूर रखना चाहिए। मैंने अपनी केयर टिप्स आपके साथ शेयर की है, आप उसे ज़रूर ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंस हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें।